भारत ने सालों बाद T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया, लेकिन इसी के साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 फॉर्मेट से संन्यास भी ले लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि रोहित शर्मा अब जब T20I नहीं खेलेंगे तो उसके बाद से फिर T20 फॉर्मेट में भारत की कप्तानी कौन सा खिलाड़ी करता हुआ नजर आएगा। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। पहला ऑप्शन सबसे ज्यादा जिसका नाम लिया जा रहा है वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की अगर कैप्टेंसी के आंकड़ों की बात करें तो 16 मुकाबले उन्होंने कप्तानी करे हैं और उसके बाद से 10 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। लेकिन वही सबसे बड़ी बात यह है कि हार्दिक पांड्या का एक्सपीरियंस ही बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो 100 मुकाबले T20I के हार्दिक पांड्या ने खेल रखे हैं। एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्हें हाईली रेट किया जा रहा है अगला T20I कैप्टन बनने के लिए। और ऐसा बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट की पहली पसंद भी ODI फॉर्मेट या फिर T20I फॉर्मेट के लिए हार्दिक पांड्या ही होने वाले हैं। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या का IPL में भी कैप्टेंसी रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। जब गुजरात टाइटंस की कप्तानी उन्होंने करी थी तो 2022 में उन्हें जब हार्दिक पांड्या ने 2022 में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करी थी तो 2022 में गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया था। 2023 में रनर अप थी गुजरात टाइटंस IPL 2023 की। और वहीं जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी उन्होंने IPL 2024 में करी तब थोड़ा सा उनका जो सक्सेस रेट था वो गिर गया और नतीजा ये हुआ कि मुंबई इंडियंस प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। दूसरा नाम लिया जा रहा है सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार यादव ने भी टीम इंडिया की कप्तानी करी है और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरीके से वो खेल दिखाते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें भी टीम मैनेजमेंट कंसिडर कर सकती है भारत का अगला T20I कप्तान बनने के लिए। वहीं तीसरा नाम आया ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत लगभग 1.5 साल बाद उन्होंने क्रिकेट में वापसी करी है। किसी को नहीं लग रहा था कि ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में शामिल भी होंगे, लेकिन ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में शामिल भी हुए और खेल कर भी दिखाए, तो वो भी अगले T20I कप्तान भारत के हो सकते हैं। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह का भी नाम लोग ले रहे हैं। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने अभी तक 2 मैचों में भारत की कप्तानी करी है और दोनों मैचों में जीत हासिल करी है भारतीय टीम ने। बाकी आपको क्या लगता है कि इन सारे ही खिलाड़ियों में से कौन बनना चाहिए भारत का अगला T20I कप्तान, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही साथ हमारे चैनल क्रिप्लेक्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।